वेलकम गाइस, होप आप लोगों ने जो हमारे पहले वाले वीडियो में क्लाइमेट और वेदर के ऊपर जो डिफरेंस था और जो कंसेप्ट था वो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब हम हमारे टॉपिक को, हमारे कंसेप्ट को आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ब्राजीलियन क्लाइमेट के साथ। ठीक है, सो आज हम ब्राजीलियन क्लाइमेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा आपको कि ब्राजीलियन क्लाइमेट एंड इंडियन क्लाइमेट, ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पे फोकस किया है। ठीक है, सो पढ़ते हैं कि क्लाइमेट इन ब्राजील क्या है। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, ड्यू टू द वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील, इट एक्सपीरियंसेस वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट वेरिएशन इन अ रीजन। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले पॉइंट जो बोला है उसका बताने का मतलब क्या है। ठीक है, जितने भी लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है, ठीक है, हर कंट्री का, हर पर्टिकुलर रीजन का एक अपना लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट होता है। सो ये लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट होने की वजह से होता क्या है कि इनके लॉन्जिट्यूडनली एंड लैटिट्यूडनली एक्सटेंड होने की वजह से क्लाइमेट पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। बिकॉज जितना ज्यादा एक्सपांड होगा, जितना ज्यादा कंट्री एक्सपांशन होगा, उतना ही ज्यादा वेरिएशन क्लाइमेट में देखने मिलेगा। वेरिएशन इन द सेंस डाइवर्सिटी, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल नियर इक्वेटर इट इज हॉट वाइल टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। ब्राजील गेट्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड। ओके, सो यहां पर कैसे एग्जाम्पल देके आप लोगों को बताया है, फर्स्ट वाला पॉइंट को और इलाबोरेट किया है कि ड्यू टू लैटिट्यूडनल, वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है, वेरिएशन सबसे ज्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पर्टिकुलर रीजन इक्वेटर से पास ऑन हो रहा है वहां का क्लाइमेट कैसा है, काफी ज्यादा हॉट है। ठीक है, हॉट यानी कि बहुत ही ज्यादा इंटेंस सनराइज, सनरेज पहुंचने के वजह से वो पर्टिकुलर रीजन का जो क्लाइमेटिक इफेक्ट है वो कैसा है, काफी ज्यादा हॉट है। Whereas, कुछ ऐसे भी पर्टिकुलर जगह है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन पास हो रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट है वो कैसा है, वो है टेम्परेट। ठीक है, नाउ देर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द हॉट एंड टेम्परेट। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बच्चे, बहुत काफी सारे बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड टेम्परेट। सो हॉट यानी कि बोल सकते हो आप काफी ज्यादा इंटेंस, ठीक है, टेम्परेट यानी कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, एक बोलते हैं ना कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, एनिमल्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए काफी ज्यादा अच्छा है वो पर्टिकुलर, ना ही टेम्परेट यानी कि मॉडरेट भी आप बोल सकते हो, ना ही ज्यादा गर्म ना ही ज्यादा ठंडा। ठीक है, सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन जहां से पास हो रहा है वहां पर टेम्परेट क्लाइमेट है, इक्वेटर जहां से पास हो रहा है वहां हॉट क्लाइमेट है। सो वास्ट लैटिट्यूडल एक्सटेंड होने की वजह से देख सकते हो आप वेरिएशंस काफी ज्यादा है। ठीक है, और ब्राजील को जितना भी मॉनसून मिलता है यानी कि रेनी सीजन, जो रेनफॉल होता है ब्राजील में, वो मोस्टली ट्रेड विंड की वजह से होता है। नाउ व्हाट इज ट्रेड विंड, सबसे पहले कंसेप्ट समझो कि ट्रेड विंड होता क्या है। देखो ट्रेड विंड, ठीक है, ऐसा विंड होता है, ठीक है, ये एक ऐसे विंड होते हैं जो हमारे कंट्री के बाहर से आते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्री से बाहर से अगर कोई विंड आ रहा है, ठीक है, ड्यू टू इंटेंस फ्लो, फ्लो ज्यादा होने की वजह से जो बाहर की तरफ से जितने भी विंड्स हमारे तरफ आ रहे हैं उन विंड्स को आप क्या बोलोगे, ट्रेड विंड्स। तो हमारे ब्राजील के जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है और साउथ ईस्ट पार्ट है, ठीक है, वहां से ट्रेड विंड्स आते हैं और ये इस पर्टिकुलर रीजन में बरसात लाते हैं। ठीक है, तो ब्राजील का क्लाइमेट के ऊपर एक यूनिक कैरेक्टर ये है कि जब यहां के जो रेनफॉल होते हैं, जो रेनी सीजन अकर होता है, वो ट्रेड विंड्स कैरी करके लेकर आते हैं। ठीक है, देन पार्ट्स ऑफ द ब्राजीलियन हाइलैंड्स एक्सटेंड अप टू द नॉर्थ और अप टू द नॉर्दर्न कोस्ट। ठीक है, द एस्कार्पमेंट एक्ट हैज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी एंड कजिंग ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल इन द कोस्टल रीजन। ठीक है, अब आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में 9th स्टैंडर्ड में यू हैव लर्नड अबाउट द प्रेसिपिटेशन, वेयर यू हैव लर्नड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, जहां पर आपने साइक्लोनिक रेनफॉल के बारे में पढ़ा, यू हैव लर्नड अबाउट द स्नोफॉल, ठीक है, यू हैव लर्नड अबाउट द रेनफॉल, ठीक है, कन्वेंशनल रेनफॉल, ठीक है, इवन यू हैव ऑल्सो लर्नड अबाउट द ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल। नाउ व्हाट इज ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल, ठीक है, यही यहां पर बता रहा है कि ब्राजीलियन हाईलैंड और एस्कार्पमेंट
के वजह से यहाँ का ब्राजील का जितना भी रेनी है वो कैसा है, ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल है। अब देखते हैं कि ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले यहां पर मैंने इमेज आपके लिए रखा है। ठीक है, इस इमेज को प्रॉपरली समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब एक चीज याद रखना है, मैंने लास्ट ईयर आप लोगों को बताया था कि अगर एटमोस्फियर देखो कैसा होता है कि अर्थ का जो सरफेस होता है वो इंटेंस हीट वहां पर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और जितना ज्यादा हीट होता है उतना ही ज्यादा इवापोरेशन रेट नियर द अर्थ सरफेस इज मोर। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि हायर द इवापोरेशन रेट, ठीक है, हायर द टेम्परेचर हायर द इवापोरेशन रेट, क्या होगा, हायर द टेम्परेचर हायर द इवापोरेशन रेट। ठीक है, सो अगर आप एटमोस्फियर के ऊपर की तरफ जाओगे, यानी कि अगर आप ट्रेवल करते हो स्पेस के टूवर्ड्स, तो क्या होता है कि आप एटमोस्फेरिक लेवल को चेंज करते हो, यानी अर्थ सरफेस के एटमोस्फेरिक लेवल को आप चेंज करके आप एटमोस्फेरिक लेवल 2 पे जाते हो, देन आप धीरे धीरे एटमोस्फेरिक लेवल 3 पे जाते हो, देन आप धीरे धीरे एटमोस्फेरिक लेवल 4 पे जाते हो। सो जैसे ही आपका एटमोस्फेरिक लेवल चेंज होता जाता है, ठीक है, तो होगा क्या यहां पर कि एटमोस्फेरिक लेवल चेंज हुआ यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा। एक चीज याद रखना है कि एटमोस्फियर जब आप अर्थ सरफेस के सेंटर से, अब अर्थ सरफेस से अगर आप स्पेस की टूवर्ड जाओगे तो एटमोस्फियर का लेवल गिरता जाएगा, यानी कि टेम्परेचर कम होता जाएगा। ठीक है, और कोई भी प्रेसिपिटेशन, चाहे वो स्नोफॉल हो, चाहे वो साइक्लॉनिक हो, चाहे वो कन्वेंशनल हो, चाहे वो ओरोग्राफिक हो, कोई भी रेनफॉल अगर होता है, यानी कि कोई भी प्रेसिपिटेशन होगा, सो वो टेम्परेचर के फॉल होने की वजह से ही होगा। देखिए, टेम्परेचर फॉल होगा तो ही प्रेसिपिटेशन होगा। सो जब आप एक लेवल चेंज करते हो, सो कैसा होता है कि यहां पर आप देख सकते हो कि माउंटेन में दो चीजें लिखी है, एक तो विंडवर्ड लिखा है, एक लिखा है लीवर्ड। ठीक है, विंडवर्ड यानी कि जहां से विंड फ्लो हो रहा है, लीवर्ड यानी कि जहां पर विंड एब्सेंट है। ठीक है, विंड यानी कि वहां से गुजरकर जाने वाला है। अब होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी क्लाउड होते हैं वो एटमोस्फेरिक लेवल 2 पे नहीं होते, वो 1 पे ही होते हैं। ठीक है, अब 1 पे होने के वजह से उन्हें कूलिंग टेम्परेचर नहीं मिलता, कूलिंग टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। अब इसकी वजह से होता क्या है कि वो जाकर एक माउंटेन से जाकर टकरा जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहां पर माउंटेन है, अब होगा क्या कि विंड आएंगे और विंड आके इस माउंटेन को टकरा जाएंगे। विंड जैसे ही टकराएंगे तो क्या होगा, आपको क्या लगता है, क्या विंड वापस चला जाएगा? नहीं, होगा क्या यहां पर कि जितने भी विंड है वो विंड अपवर्ड फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? अपवर्ड फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही वो अपवर्ड फ्लो करेंगे, यानी कि क्या हो रहा है, माउंटेन इनडायरेक्टली विंड को फ्लो कर रहा है एटमोस्फेरिक लेवल 1 से एटमोस्फेरिक लेवल 2 पे। और जैसे ही विंड एक बार, जैसे ही क्लाउड्स एटमोस्फेरिक लेवल 2 पे चले जाएंगे, क्या होगा, टेम्परेचर कूलिंग मिलेगा, कूलिंग टेम्परेचर होने की वजह से कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। नाउ व्हाट इज कंडेंसेशन प्रोसेस? कंडेंसेशन प्रोसेस इज नथिंग बट वेर वॉटर वेपर्स विच इज इन गैसेस स्टेट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड इन स्टेट। ठीक है, और ऐसे हमारा बरसात होता है। ठीक है, मोस्टली हमारे रेन होने के पीछे दो रीजन होते हैं, एक होता है इवापोरेशन और एक होता है कंडेंसेशन। यानी जब वो क्लाउड में जाते हैं तो इवापोरेट होकर गैसेस में बनते हैं, और गैसेस से जब वो बरसात होकर निकलते हैं तो वो कंडेंसेशन प्रोसेस से गुजरते हैं। ठीक है, सो यहां होता क्या है कि एटमोस्फेरिक लेवल 2 पे पहुंच गए, यहां पर टेम्परेचर काफी ज्यादा ठंडा मिल गया और यहां पर कंडेंसेशन प्रोसेस हो गया, जिसकी वजह से बरसात होना शुरू हो गया। ठीक है, सो क्या हुआ, इनडायरेक्टली यहां पर क्या हो रहा है, देखो आप स्लाइड 2 पे, अब फॉर इमेज 2 पे भी देख सकते हो, मॉइस्चराइजिंग एयर यानी कि जो मॉइस्चर लेडन, लीडिंग यानी कि जो जिसने मॉइस्चर एक्यूमुलेट किया हुआ क्लाउड ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है ड्यू टू द ऑब्स्टिकल, ड्यू टू द बैरियर। ठीक है, सो जैसे वो ऊपर जा रहा है द मॉइस्चर लेडन क्लाउड, ठीक है, क्या हो रहा है, वो एटमोस्फेरिक लेवल 1 से ट्रैवल कर रहा है एटमोस्फेरिक लेवल 2 पे। ठीक है, द मॉइस्चर लेडन क्लाउड ट्रैवल फ्रॉम एटमोस्फेरिक लेवल 1 टू एटमोस्फेरिक लेवल 2। ठीक है, और जैसे ही उसे कूलिंग टेम्परेचर मिलेगा क्या होगा, कंडेंसेशन होगा और बरसात आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जिस पर्टिकुलर विंडवर्ड डायरेक्शन में बरसात होनी चाहिए थी, ठीक है, बट ड्यू टू क्लाउड वहां पर वो एटमोस्फेरिक लेवल 1 पे था और बरसात हुई नहीं। ठीक है, तो क्या हो गया कि ये जो एक पर्टिकुलर रीजन है,
ठीक है, यहां पर क्या हो गया, रेन शैडो बन गया, ये क्या बन गया, ये रेन शैडो रीजन बन गया। ओके, सो ये था हमारा ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल। सो यही बोला है कि एस्कार्पमेंट यानी कि जो ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल है वो ब्राजील के हाइलैंड्स और एस्कार्पमेंट की वजह से होता है। ठीक है, यानी कि बड़े बड़े हाइलैंड्स और एस्कार्पमेंट बीच में आ जाते हैं, ठीक है, और इनके बीच में आने की वजह से, ठीक है, होता क्या है कि रेनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ओके। सो लेट्स कंटिन्यू, आगे का कंटिन्यू करते हैं। बियॉन्ड द हाईलैंड द इफेक्ट ऑफ दिस वेन गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे ये हाईलैंड्स जो हैं, इन हाईलैंड्स की वजह से ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल होता है, ठीक है, और ये जो हाईलैंड्स हैं, ये हाईलैंड्स को पार करने के बाद जितने भी विंड्स होते हैं वो विंड का इफेक्ट क्या हो जाता है, धीरे धीरे मिनिमाइज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जैसे आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में जहां पर आप फिजियोग्राफी कर रहे थे, सो इन द फिजियोग्राफी ऑफ ब्राजील, ठीक है, यू हैव लर्नड अबाउट द हाईलैंड, ठीक है, जहां पर आपने देखा कि हाईलैंड एक्ट हैज अ शील्ड, ब्राजीलियन शील्ड, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्राजीलियन शील्ड भी बोलते हैं। सो यही ब्राजीलियन शील्ड क्या करते हैं कि जितने भी जो साइक्लोनिक विंड्स हैं और काफी सारे जो विंड जो हार्म कर सकते हैं, ठीक है, उन विंड को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है और उन विंड का इफेक्ट जो होता है वो रिड्यूस कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। As a result, the rainfall is minimal, ठीक है, इसलिए क्या होता है, most of the time, जितना जो rainy wind होता है, जो wind rain carry करके लाता है, moisture laden wind भी क्या हो जाते हैं, यहाँ पर minimal हो जाते हैं, यानी कि minimize, कम आ जाते हैं, rainfall ज़्यादा होता नहीं है particular country में, ठीक है, because of this highlands or the escarpment, ठीक है, this region is rain shadow region, rain shadow region, यानी कि आपको अगर रेन शैडो बताना है, व्हाट इज रेन शैडो, रेन शैडो यानी कि बरसात होने वाली थी, मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स थे, बट ड्यू टू सम रीजन, ठीक है, ड्यू टू सम रीजन, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर ऐसे रीजन है जिसके वजह से, कुछ फैक्टर्स के वजह से बरसात हुई नहीं, ठीक है, सो ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम फैक्टर्स, ठीक है, रेनफॉल होने वाला था बट हुआ नहीं, ऐसे पर्टिकुलर रीजन को आप बोलोगे रेन शैडो रीजन। दिस रीजन इज कॉल्ड ड्रॉप क्वाड्रिलैटरल, ड्रॉप क्वाड्रिलैटरल यानी कि ड्रॉप क्वाड्रिलैटरल एक ऐसा जगह जहां पर सूखापन हो, बंजर जमीन हो, जैसे आप देख सकते हो सूखापन होगा, ठीक है, बिकॉज अगर बरसात नहीं होगी, अगर रेन नहीं होगा, सो लैंड लैंड इज नॉट, लैंड के पास मतलब एबिलिटी ही नहीं है कि वो कैपेबल ही नहीं है, लैंड इज नॉट कैपेबल फॉर कल्टिवेशन, ठीक है, और फॉर हार्वेस्टिंग और फॉर सिविलाइजेशन, ठीक है, सो ये हो जाता है ड्रॉप क्वाड्रिलेटरल रीजन जो है वो पर्टिकुलर ब्राजीलियन में, बिकॉज ऑफ दी मिनिमल रेनफॉल, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस हाईलैंड एंड एस्कार्पमेंट विच ऑब्स्ट्रक्ट द विंड्स, ठीक है, क्या होता है, जो पर्टिकुलर रीजन है वो ड्रॉप क्वाड्रिलेटरल में काउंट हो जाता है। Considering the temperatures in the Brazil, the northern part of Brazil is hot, while the temperatures in the southern part are comparatively lower. ठीक है, ब्राजीलियन के नदन पार्ट की बात करोगे, सो आप जानते ही हो, आपने लोकेशन एक्सटेंड में पढ़ा है कि जो हमारा इक्वेटर है वो इक्वेटर ब्राजील के, ठीक है, ब्राजील के हमारे इंडिया के सेंटर ऑफ द मिडल ऑफ द कंट्री से पास ऑन हुआ है, और हमारे अगर ब्राजील की बात करते हैं सो नदन पार्ट से वो पास हुआ है, इसलिए नदन पार्ट जो है वहां पर इंटेंस हीट होने के वजह से वो पर्टिकुलर रीजन कैसा है, काफी ज्यादा हॉट है, ओके, और सदर्न पार्ट में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होने की वजह से उधर का टेम्परेचर इतना भी ज्यादा हॉट नहीं है, ठीक है, सो ये जो है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर में भी, टेम्परेचर से भी फर्क पड़ रहा है बिकॉज ऑफ इक्वेटर। सो आप देख सकते हो कि कैसे आपके चैप्टर्स लिंक्ड है चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 3 से, जहां पर आपने अभी इक्वेटर का अगर हमने बात किया है, अगर ये पॉइंट को मैं देखता हूं, सो इट इज टोटली लिंक्ड विद चैप्टर नंबर 2, दैट इज लोकेशन एंड एक्सटेंट, जहां पर हमने पढ़ा कि इक्वेटर ब्राजील के नदन पार्ट से पास ऑन होता है, और हमने इसके बाद हमने हाईलैंड्स के, जैसे हमने पार्ट पढ़े कि ब्राजीलियन शील्ड देखा हमने, जिसके वजह से ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल हो रहा है, सो वो हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। सो ईच एंड एवरी चैप्टर फॉर योर ज्योग्राफी फॉर 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इज टोटली लिंक्ड बाय ईच अदर, ठीक है, वो टोटली कैसा है, लिंक्ड है, इसलिए ऐसे सीरियल वाइज में
कंटिन्यू किया है। देन आगे क्या बोलता है, सीजनल वेरिएशंस आर फाउंड, यानी कि अकॉर्डिंग टू द सीजन वेरिएशंस होते हैं, डाइवर्सिफाइड होता है। जैसे हमारे कंट्री में मानसून आता है, विंटर आता है, समर आता है, वैसे अकॉर्डिंग टू द सीजन वहां पर भी वेरिएशन होता है। नियर द इक्वेटर द टेम्परेचर इज नॉट मच, ठीक है। इन द कोस्टल रीजन नियर द इक्वेटर इन ब्राजील डिफरेंस इन टेम्परेचर आर नेग्लिजिबल। नाउ ये पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, यहां पर टेम्परेचर का डिफरेंसेस बताया है, ठीक है। अब देखो जैसे कोस्टल रीजन है और उधर का इक्वेटोरियल रीजन है, जो जितने भी इक्वेटोरियल रीजन है और जितने भी कोस्टल रीजन है वहां के टेम्परेचर का डिफरेंस नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल यानी कि जो आप बोल सकते हो कि बहुत ही ज्यादा कम डिफरेंस, यानी कि हार्डली 2 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, ठीक है। वेराइज अगर मैं बात करता हूं हमारे इंडिया की, तो इंडिया में वाइस वर्षा है। जैसे आप अगर इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में या हिमालय में जाओगे तो टेम्परेचर वहां का काफी ज्यादा कूलनेस है, और अगर आप राजस्थान जैसे या मिडिल कोई कंट्री जैसे स्टेट्स मिडिल कोई स्टेट्स में जाओगे, राजस्थान जैसे स्टेट्स में या गुजरात पंजाब महाराष्ट्र जैसे स्टेट में, तो वहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा हॉट है, टेम्परेट है, ठीक है। सो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, बट ब्राजील में वैसा नहीं है। ये एक ब्राजील का वापस से क्लाइमेट का एक यूनिक फीचर है। द वर्ल्ड विंड मूव इन द वर्टिकल डायरेक्शन इन दिस रीजन, ठीक है। विंड का मूवमेंट कैसा है, वर्टिकल है। सिमिलरली द कन्वर्जन जोन आर वीक हियर। नाउ व्हाट इज कन्वर्जन जोन, कन्वर्जन जोन इज नथिंग बट अ पर्टिकुलर रीजन, अ पर्टिकुलर बेल्ट, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, जहां पर सारे ट्रेड विंड आकर कन्वर्ज हो जाते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है, सो यू ऑल हैव लर्नड अबाउट द कन्वर्जन एंड डाइवर्जन, व्हाट इज कन्वर्जन व्हाट इज डाइवर्जन, कन्वर्जन कंबाइन होना, ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर इंटरसेक्ट करना, ठीक है, कन्वर्जन रे भी आपने पढ़ा है। सो कन्वर्जन जोन यानी कि सारे के सारे ट्रेड विंड आकर कन्वर्ज हो जाते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट साइक्लोन्स आर नॉट फॉर्मड हियर, कन्वर्ज होने के वजह से साइक्लोन का फॉर्म होना काफी ज्यादा यहां पर इम्पॉसिबल नहीं हो पाता है, यानी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा कम है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि नहीं भी होगा, हो भी सकता है, बट पॉसिबिलिटी कम है अगेन, ठीक है। देन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन, जितने भी कंट्री है, कंट्री के जितने भी एरिया है वो ट्रॉपिकल जोन में लाए करते हैं। द इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। द एवरेज टेम्परेचर इन द रीजन इज 25 to -28 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। द क्लाइमेट इज कूलर इन द हाईलैंड्स, ठीक है, सिंस हाईलैंड एक हायर एलिवेशन है, एक हायर एलिवेशन फिजियोग्राफी है जो कि आपने पढ़ा। सो जितने भी हाई अल्टीट्यूड वाले जो पर्टिकुलर लैंडफॉर्म्स होते हैं वो मोस्टली कूलर ही होता है टेम्परेचर में, बिकॉज उनके वो एटमोस्फेरिक लेवल 1 पे लाए नहीं करते, वो एटमोस्फेरिक लेवल 1 से एटमोस्फेरिक लेवल 2 या 3 या हायर अल्टीट्यूड्स पे होते हैं। हायर अल्टीट्यूड्स पे होने की वजह से टेम्परेचर वहां का काफी ज्यादा कम होता है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में हिमालय एक ऐसा रीजन है जहां पर ऐसे टेम्परेचर देखने मिलते हैं। द अमेजॉन वैली रिसीव्स अराउंड 2000 mm ऑफ रेनफॉल, ठीक है, अमेजॉन वैली 2000 mm ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल इज मेजर्ड थ्रू द डिवाइस, ठीक है, जो कि प्लग किया जाता है हमारे अर्थ सरफेस के अंदर, ठीक है, हमारे ग्राउंड में प्लग किया जाता है, एक फिनल लाइक होता है, आप लोगों ने लास्ट ईयर प्रेसिपिटेशन में पढ़ा है। सो वहां उसके थ्रू क्या होता है कि रेनफॉल कलेक्ट किया जाता है और वो प्रेसिपिटेटेड रेन्स को वो मेजर करते हैं, ठीक है, एक जार से, और पता करते हैं कि एनुअली कितना रेनफॉल हो रहा है पर्टिकुलर कंट्री में। While the northeastern coast receive 1000 to 1200 mm of rainfall, ठीक है, अगेन ये नंबर्स को याद रखो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट विल बी इट माइट बी आस्क्ड, ठीक है, फॉर वन सेंटेंस, फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, एंड फॉर राइट और रॉन्ग, ठीक है। सो ये था हमारा क्या, क्लाइमेट ऑफ ब्राजील, ठीक है, आज हमने कंप्लीट किया ब्राजीलियन क्लाइमेट। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा टॉपिक की, ब्राजीलियन क्लाइमेट के यूनिकनेस के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। एक फटाक से रिव्यू कर लेते हैं, रिव्यू में सबसे पहले क्या करना है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड होने की वजह से हमने क्या पढ़ा कि ब्राजीलियन क्लाइमेट में बहुत सारी वेरिएशन है। देन
नेक्स्ट टू उसके बाद हमने ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल के बारे में पढ़ा, जहां हमने देखा कि ड्यू टू हाईलैंड्स एंड ड्यू टू एस्कार्पमेंट्स, ठीक है, एस्कार्पमेंट्स और हाईलैंड्स होने की वजह से जितने भी पर्टिकुलर रीजन है वो रीजन में ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रीजन ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल होता है। देन ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल के बारे में देखा, अगेन द ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज दे माइट बी आस्क यू द राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जहां पर ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपके बुक में भी टेक्सचुअल भी दिए गए हैं इसके ऊपर, ठीक है। देन हमने क्या पढ़ा कि टेम्परेचर के डिफरेंस के बारे में पढ़ा कि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो नेग्लिजिबल है, इतना ज्यादा डिफरेंस वाज डिफरेंस नहीं है। कन्वर्जन जोन के अंदर फॉल होने के वजह से रीजन ब्राजीलियन का जो रीजन है वो कन्वर्जन जोन के अंदर फॉल होता है, जिसके वजह से साइक्लोन आने का जो चांसेस है वो काफी ज्यादा कम है। एनुअल रेनफॉल देखा हमने 2000 mm और हमने 1000 टू 1000 mm नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट में देखा, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर के बारे में हमने पढ़ा कि एवरेज टेम्परेचर यहां पर कितना है, 25 to -28 degrees Celsius, ठीक है। सो दिस ऑल आर द टॉपिक्स, दिस ऑल आर द पॉइंट्स, ठीक है, विच वी हैव लर्न इन ब्राजीलियन क्लाइमेट, ठीक है। सो हमने अब तक हमारा 50% हमारा चैप्टर जो है वो हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम देखेंगे इंडियन क्लाइमेट एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इंडियन क्लाइमेट, ठीक है, कि इंडियन क्लाइमेट क्या है, उसके यूनिकनेस क्या है। जैसे ब्राजीलियन क्लाइमेट में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े, वैसे हम इंडियन क्लाइमेट में भी कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो तब तक के लिए आपको करना क्या है, वही चीजें मैं वापस रिपीट करूंगा, ठीक है, प्रिपेयर नोट्स, ठीक है, बुक खोलिए, बुक खोलकर बुक रीडिंग कीजिए जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम मिलते हैं, ओके। तब तक के लिए प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।